बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास टेंथ केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर टू है, डिफाइन आइसोमरिज्म, राइट आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे आइसोमरिज्म की डेफिनेशन। तो ये है द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या फिर इसे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला ऑफ एटम्स, आर कॉल्ड आइसोमर्स। सो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होते हैं, और इस फेनोमेनम को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। सो अब हम आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन फाइंड करेंगे, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका क्या, ब्यूटेन का क्या फार्मूला होता है? C4H10। तो पहले इसका हम लिख लेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। ब्यूटेन में C की तादाद 4 होती है, और इसके सारे हम हाइड्रोजन पूरे कर देंगे, और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या बन जाएगा? एन ब्यूटेन। और ये वाली ब्यूटेन क्या बन जाएगी? आइसोब्यूटेन, क्योंकि इसके दूसरे वाले के साथ हमने CH3 लगाया। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, इसका फार्मूला होता है C5H12। सबसे पहले इसका हम लिख लेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। तो इसको क्या कहते हैं? एन पेंटेन। और फिर इसके बाद ये दूसरे वाले के साथ हम CH3 लगाएंगे नीचे, इसको कहते हैं आइसो पेंटेन। और जो थर्ड एंड लास्ट है वो होता है न्यू पेंटेन, जो कि इस तरह लिखते हैं। ये क्या होता है? न्यू पेंटेन।